Hello students of class 6. Today we will be starting with lesson 3, a boy judge. यानी कि एक लड़का जो जज का काम करता है. Once upon a time, three thieves who had stolen a pot of gold in a distant town were returning to their village. So एक समय की बात है, तीन चोर थे जिन्होंने एक मटका चोरी करा था एक पास के गांव से जो गोल्ड से भरा हुआ था. They were passing through a small town when it grew dark. और वो एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे जब वहाँ पर अंधेरा हो गया था. Their village was a long way off. Their chief said to the others, I don't know whether we can reach our village safely with all this gold. So क्योंकि वहाँ अंधेरा हो गया था तो और उनका गांव अभी बहुत दूर था. तो जो उनके चीफ थे यानी कि जो उनका सरदार था वो दूसरों से कहता है कि मुझे नहीं पता है कि हम अपने गांव सुरक्षित पहुंच जाएंगे इस सारे गोल्ड के साथ. लेट्स स्टे फॉर द नाइट इन सम हाउस हियर इन दिस टाउन. अब वो ये बोलता है कि आओ हम आज रात इसी गांव में बिताते हैं. हिज फ्रेंड्स ऑल्सो थॉट दैट दिस वॉज द बेस्ट थिंग टू डू. और उसके दोस्त भी यही सोचते हैं कि ये सबसे अच्छी बात है करने के लिए. दे वेंट इन सर्च ऑफ अ लॉजिंग फॉर द नाइट एंड एट लास्ट फाउंड एन ओल्ड वुमेन. सो वो एक जगह ढूंढने के लिए गए थे जहाँ पर वो रात बिता सके और वहाँ पर उन्होंने एक बूढ़ी स्त्री को देखा. हु अग्रीड टू लेट देम स्टे इन हर हट. नाउ नन ऑफ द थीव्स वुड ट्रस्ट एनी ऑफ दिस कंपेनियंस विद अ पॉट ऑफ गोल्ड. तो ये जो स्त्री है इससे बात हो गई और वो रेडी हो जाती है उनको अपने झोपड़े में रखने के लिए. सो अब बात ये थी कि जो थीव्स थे वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते थे. सो दे डिसाइडेड टू गिव इट टू द ओल्ड वुमेन टू कीप. सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस बूढ़ी स्त्री को वो पॉट ऑफ गोल्ड दे देंगे रखने के लिए. They carefully sealed the mouth of the pot with clay and took it to the old woman and said. So, उन्होंने उस मटके का जो मुंह था उसको मिट्टी से बंद कर दिया और उस बूढ़ी स्त्री के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं, Please keep this with you until we ask for it. Don't give it to anyone till all three of us ask for it together. तो वो ये बोलते हैं कि इसको आप अपने पास रखें और ये किसी को नहीं देना जबकि जब तक हम तीनों नहीं आते इसको मांगने के लिए. द ओल्ड वुमेन अग्रीड. तो वो बूढ़ी स्त्री रेडी हो जाती है उनकी बात मानती है. शी आस्क्ड द मैन वेदर दे वुड टेक इट बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो वो उस स्त्री आदमियों से पूछती है कि क्या नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगले सुबह आप इसको वापस ले जाएंगे. Their chief replied, Yes, we will, but be sure to keep it in a very, very safe place. तो जो chief होता है वो बोलता है हाँ हम लेके जाएंगे लेकिन आप बिल्कुल मतलब very, very safe place पे रखना उसको मतलब उस मटके को ऐसी जगह रखना जहाँ उसकी सुरक्षा की जा सके. The three men cooked their own dinner. After eating it, they sat under a tree talking together. जो तीन आदमी थे वो अपना खुद का खाना बनाते हैं और खाना खाने के लिए एक ट्री के नीचे वो बैठते हैं एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं. The youngest of them who was a clever man. तो उनमें से जो सबसे छोटा चोर था वो उनमें से सबसे ज़्यादा चतुर था. Wanted to get the pot of gold for himself. He was trying to think of a plan. तो वो जो था तीसरा चोर वो सोच रहा था कि वो पूरा पॉट उसको मिल जाए और इसलिए वो एक प्लान के बारे में सोच रहा था. Just then a woman came selling curds and the young thief said, Look, here comes a woman selling curds. Let's buy some. तो जब वो प्लान के बारे में सोच रहा था तभी एक स्त्री वहाँ पर आती है जो दही बेच रही थी. कर्ड मतलब दही. तो जो यंग थीफ था वो सबसे बोलता है कि देखो ये दही बेच रही है चलो हम इसको खरीदते हैं. द चीफ सेड ऑल राइट वी विल बाय सम गो एंड गेट द पॉट फ्रॉम द ओल्ड वुमेन. तो जो सरदार होता है कि वो बोलता है कि हाँ ठीक है हम कुछ दही खरीदते हैं और फिर बोलता है कि जाओ और उस मटके को लेके आओ स्त्री से.
This was just the opportunity the young man wanted. और इसी मौके की तलाश में वो young man था. He went to the old woman and said, वो उस बूढ़ी महिला के पास जाता है और बोलता है, Let's have the pot we gave you to keep. The woman said, Your chief has asked me not to give the pot till all of you ask for it together. तो वो बोलता है कि मुझे वो पॉट मटका दे दो जो हमने तुमको दिया था. तो वुमेन क्या बोलती है, महिला बोलती है कि आपके चीफ ने बोला था, सरदार ने बोला था कि इस पॉट को जब तक हम तीनों नहीं मांगते तब तक नहीं देना. द यंग मैन सेड बट आवर चीफ हिमसेल्फ हैज सेंट मी टू गेट द पॉट. तो वो बोलता है कि लेकिन हमारे सरदार ने ही खुद हमको मेरे को भेजा है ताकि मैं उस मटके को लेके आऊँ. द ओल्ड वुमेन वॉज टू बिजी टू गो आउट एंड आस्क द चीफ. क्योंकि वो महिला बहुत ज़्यादा बिजी थी अपने कामों में तो वो चीफ के पास नहीं जाती है और वो मटका उसको दे देती है. शी शाउटेड फ्रॉम इनसाइड द हाउस टू आस्क वेदर शी शुड गिव द पॉट टू द यंग मैन. तो वो इतनी बिजी थी कि वो सरदार के पास जाके पूछे, इसलिए वो घर के अंदर से ही चिल्ला के वो सरदार से पूछती है कि क्या मैं इस पॉट को इस यंग मैन को दे दूँ. द चीफ डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट शी वॉज टॉकिंग अबाउट द पॉट ऑफ गोल्ड. तो चीफ ये समझ नहीं पाता कि वो उस मटके के बारे में बात कर रही जिसमें सोना है. गिव इट टू हिम ही शाउटेड बैक टू हर. तो वो सरदार बोलता है हाँ उसको दे दो. सो द ओल्ड वुमेन गेव द पॉट ऑफ गोल्ड टू द यंग मैन एंड ही क्वाइटली लेफ्ट द प्लेस विथ इट. तो जो महिला थी उस वो पॉट को उसको दे देती है और जैसे ही उस यंग मैन को वो मटका मिलता है वो उस जगह को चुपके से छोड़ के भाग जाता है. द चीफ वेटेड फॉर सम टाइम एंड देन वेंट इनसाइड. जो सरदार था वो थोड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा फिर थोड़ी देर के बाद वो अंदर गया. ही सून फाउंड आउट एवरीथिंग और उसको सब कुछ पता चलता है. He accused the woman of being careless and asked her to pay him for the lost gold. तो वो उस महिला को दोषी बना देता है और बोलता है कि तुम्हारी carelessness से मेरा सोना खो गया है इसलिए जितना भी सोना था अब तुम मुझे वो ला के दो. The old woman was taken aback. She hadn't known that there was gold in the seal pot. जो old woman थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि उस मटके जो बंद उसका मुंह बंद था क्योंकि तो उसको पता नहीं था कि उसमें सोना है. शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू. शी फेल ऑन हर नीज एंड बेग द चीफ टू फॉरगिव हर. तो उसको नहीं पता था कि क्या करना है इसलिए वो उस सरदार के पैरों पे गिर के उसे माफ़ी मांगने लगती है. बट द चीफ वुड नॉट लीव हर. लेकिन सरदार उसको छोड़ता नहीं है. In despair, she approached the king, told him the whole story and begged him to save her. तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसके पास कुछ नहीं होता करने के लिए क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उनको दे दे. और इस दुखी से वो उस राजा के पास जाती है और उसको पूरी अपनी कहानी बताती है और बोलती है कि मुझे बचा लो. The king sent for a boy called Ramanna. राजा एक लड़के के लिए बुलावा भेजता है जिसका नाम क्या है, रमन्ना. रमन्ना वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑफन हेल्प द किंग इन गिविंग हिज जजमेंट. तो रमन्ना जो था वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, अकलमंद था और राजा की बहुत मदद करता था न्याय करने में. द ओल्ड वुमेन नरेटेड द होल स्टोरी टू द बॉय. जो बुरी महिला थी वो पूरा कहानी उसको बताती है, उस लड़के को बताती है. रमन्ना आस्क्ड द किंग टू सेंड फॉर द चीफ ऑफ द थीव्स. पूरी कहानी सुनने के बाद जो रमन्ना था लड़का वो उन चोरों के सरदार को बुलाने के लिए राजा से कहता है. व्हेन ही केम रमन्ना इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वाज गोइंग टू ट्राई द केस. ही देन फिक्स्ड अ डे फॉर द ट्रायल. तो जब वो सरदार आता है तो रमन्ना उसको बताता है कि मैं इस घटना का न्याय करूंगा और एक दिन वो बता देता है कि इस दिन में उस घटना का न्याय होगा. ऑन द डे ऑफ द ट्रायल एवरीवन वेटेड ईगरली टू सी हाउ द बॉय वुड डिसाइड द केस. तो जो दिन तय किया गया था न्याय के लिए उस दिन के लिए सब लोग बहुत वेट कर रहे थे और देख रहे थे कि वो रमन्ना जो छोटा लड़का है वो कैसे इस चीज का न्याय करेगा.
When Ramana came into the courtroom, he found that it was packed with people. और जब रमन्ना उस कोर्टरूम में आता है जहाँ पर न्याय होने वाला है, वो क्या देखता है कि वो पूरा कमरा लोगों से भरा है. The thieves were asked to tell their story first. चोरों से बोला जाता है अपनी कहानी बताने के लिए. They accused the old woman of carelessness. और वो उस महिला को दोषी बनाते हैं उसकी लापरवाही के लिए. I am sorry, said the old woman with tears in her eyes. Please forgive me, I am a poor woman. तो वो बूढ़ी महिला उनसे बोलती है, मुझे माफ़ कर दो मैं, और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है. वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सिर्फ एक गरीब महिला हूँ. Ramana turned to the thieves and said, Did you tell this woman to give back the pot only to all three of you together? तो रमन्ना समझ जाता है उस केस को और फिर वो चोरों की तरफ मुड़ता है और पूछता है उनसे कि क्या आपने ये कहा था इस महिला को कि वो पॉट ऑफ गोल्ड तभी दे जब आप तीनों मांगेंगे. द चीफ सेड, यस वी डिड, वी टोल्ड हर नॉट टू गिव इट अदरवाइज. तो सरदार जो होता है वो बोलता है, हाँ हमने यही कहा था और हमने कहा था जब तक हम तीनों नहीं मांगेंगे तब तक उस मटके को किसी को नहीं देना. In that case, said Ramana, bring your other friend and all three of you ask for the pot together. तो Ramana बोलता है कि इस कारण आप अपने उस दोस्त को भी लेके आओ और फिर आप तीनों मिलके उस मटके का मांग करना, तभी ये बूढ़ी महिला उसको वापस करेगी. The two thieves did not know what to do. They did not know where to find the other thief. तो दो जो चोर थे उनको नहीं पता था अब क्या करना, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनका तीसरा साथी कहाँ है. सो दे गेव अप द केस. द वुमेन वॉज वेरी हैप्पी. द पीपल इन द कोर्ट रूम वेंट अवे प्रेजिंग द विजडम ऑफ रमन्ना. सो उन लोग चोरों को नहीं पता था क्या करना, इसलिए उन्होंने इस केस को छोड़ दिया. जो स्त्री थी महिला वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जो लोग थे उस कोर्ट रूम में वो रमन्ना की अकलमंदी का बहुत प्रेज करते हैं. इसके साथ आप ये वर्ड मीनिंग्स कर सकते हैं. फर्स्ट वाला, अक्यूज टू से समबडी हैज समथिंग रॉन्ग, यानी कि ऐसा बोलना कि किसी ने कुछ गलत किया है. अप्रोच टू आस्क समबडी फॉर समथिंग, किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाना. डिस्पेयर, द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप, मतलब कि कोई भी आशा ना हो उसकी छोड़ देना. लॉजिंग, टेम्प्ररी अकोमोडेशन, यानी कि जैसे होटल्स होते हैं जहाँ पर हम कुछ समय के लिए रुकने जाते हैं. ट्रायल, टू डिसाइड इफ somebody accused of a crime is guilty or not, न्याय करना ताकि कोई ऐसा जो जिसने कोई क्राइम किया है कि वो दोषी है कि नहीं है. सो ये फाइव वर्ड मीनिंग्स है जो आप इसमें से कर सकते हैं. क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी. कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम.